अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अखलाक खान स्वाती, और आप देख रहे हैं AKS नारान। आज है 31 अगस्त रोज़े हफ्ता 2024, और इस वक्त मैं नारान बाज़ार में मौजूद हूं। रात के तकरीबन बज रहे हैं 9, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नारान रोड के हवाले से, नारान रश कंडीशन के हवाले से, वेदर कंडीशन के हवाले से, और रूम रेंट के हवाले से। तो सबसे पहले हम जो है ना आपको नारान रोड के हवाले से अपडेट करते हैं। आपको मालूम है कि कल 4 बजे जो है ना नारान का रोड बंद कर दिया गया था, जो मांडरी के पुल के ऊपर गुज़श्ता दिनों में हालिया दिनों में जो है वो अपना ब्रिज टूट गया था, और उसके बाद काफ़ी लंबा चौड़ा काम करके उन्होंने एक छोटा सा पुल लगाया था, ब्रिज लगाया था। तो उसकी मेंटेनेंस की ज़रूरत थी, क्योंकि गुज़श्ता दिनों में काफ़ी बारिश हुई थी 1-2-3 दिन पहले, तो उस वजह से जो है ना मेंटेनेंस की बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि उन्होंने नीचे जो डाला हुआ था ना अपना ब्रिज के नीचे दंदे वगैरह ये इस तरह का वो बनाए हुए थे, पिलर वगैरह, तो वो टूट गए थे, तो उसकी वजह से मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी थी। इस वजह से जो है ना आर्जी तौर पे उन्होंने पहले तो 3-4 घंटे के लिए बंद किया था, लेकिन आपको पता है कि काम लगते लगाते जो है ना 1 दिन तक उसको क्रॉस कर गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अभी जो है ना वो गाड़ियाँ नारान पहुँच रही हैं। उम्मीद है कि 1-2 घंटे पहले जो है ना वो क्लियर हुआ होगा, और अभी नारान गाड़ियाँ पहुँची हैं, मैं उसके क्लिप जो है ना अपलोड कर दूंगा। तो सबसे पहले नारान में गाड़ियाँ इंटर हो गई थी, मैं नमाज़ के लिए गया था, लेकिन कुछ क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड की हैं, तो अभी भी गाड़ियाँ आ रही हैं मज़ीद, लेकिन मैंने कहा जस्ट आप लोगों को बता दिया जाए कि हाँ गाड़ियाँ पहुँच रही हैं नारान में मांडरी के पुल से गुज़र कर, और लोकल गाड़ियाँ भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो बाकी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में, आपको पता है अभी सीज़न ऑफ है, लेकिन जो गाड़ियाँ आ रही हैं इसका यही मोटो निकलता है कि बाकी जो है ना अगर वेदर के हवाले से बात करें तो आज पूरा दिन धूप थी नारान में, कोई किसी किस्म की जो है ना सर्दी वगैरह ये नहीं कि आल अभी भी देखें तो मैंने जैकेट वगैरह नहीं पहनी हुई, सब क्लियर है, किसी किस्म की कोई जो है ना सर्दी वगैरह नहीं है। हाँ अगर आपके साथ बच्चे वगैरह हैं तो आप जो है ना जैकेट्स वगैरह लाजमी लेकर आए। बाकी रूम रेट बिल्कुल नॉर्मल है, 50 से भी क्या यार उससे भी कम हो गए, 2500-3000 रुपये में इजी रूम मिल रहे हैं। ये एक बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के पास कि आप नारान आएँ और अच्छे होटलों में स्टे करें। बाकी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, किसी किस्म की कोई भी होटल की जो है ना बुकिंग करवानी हो तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी जो है ना रश कंडीशन जो है अभी 20-30% नारान में अभी भी है, और गाड़ियाँ आ रही हैं, कुछ पहुँची नहीं है। मैं कुछ जो गाड़ियाँ पहुँची हैं या बाइक्स पहुँची हैं उनके मैं क्लिप्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। बाकी आप नारान के किसी भी एरिया का टूर करना चाहते हैं आजकल बिल्कुल मुनासिब कॉस्ट में अच्छा टूर कर सकते हैं आप, तो मेरे साथ नारान वैली के किसी भी किस्म का जो है ना अगर आप टूर करना चाहते हैं मुझसे कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। बाकी आपको किसी किस्म के कहीं भी अगर आपके पास ज़्यादा लोग हैं 100-150 कॉर्पोरेटर या किसी किस्म के यूनिवर्सिटी पंजाब कॉलेज किसी किस्म का टूर भी है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको रूम अरेंज करके दूँगा, मील अरेंज करके दूँगा, जीप्स अरेंज करके दूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे आगे प्रोजेक्ट काफ़ी हो भी गए और मजीद आने वाले दिनों में हैं भी, तो आप मुझसे रब्ता करें। बाकी ये गाड़ियाँ गुजर रही है अभी आई है, तो इस तरह की जो है ना बाकी AKS नारान को फॉलो कर लें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।